देखिए धर्राए से काट रही है ओम तो ले भैया। तो गाइस आज की वीडियो एडिटिंग देखने में काफ़ी छोटी है, लेकिन गाइस यहाँ पर आपको बता दूँ ये आजकल ट्रेंड पे चल रहा है। आप लोग सभी देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर धर्राटे से काट रही ओप्पो, ये काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा है। तो अगर आप इस तरह की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं तो हो सकता है आपकी वीडियो भी वायरल चली जाए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में आपको सिखाते हैं कि इस तरह की वीडियो एडिटिंग मैंने कैसे की। तो गाइस इस तरह की वीडियो बनाने के लिए सिंपली अपने गेम को ओपन करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। आपको वॉल्ट में आना है, वॉल्ट में आने के बाद करेक्टर को कुछ इस साइड में कर लेना है। साइड में लाने के बाद आपको 6 से 7 सेकंड तक यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से कट करना है। आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कट नहीं करनी है, यहाँ से आपको कट करना है एंड उसके बाद आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर साइड में दिखेगा करेक्टर का, करेक्टर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको 3 ऑप्शंस और दिखते हैं साइड में, तो आपको क्या करना है सिंपली सेकंड वाले पर क्लिक कर देंगे। अगर आप फर्स्ट वाले पर करते हैं तो आपका यहाँ पर करेक्टर का बंडल नहीं दिखेगा, आपको सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर करेक्टर का बंडल दिखेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस वाले करेक्टर को लेना है, सिर्फ इसी वाले करेक्टर को लेना है। इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो ये इमोट ऑटोमेटिक यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आपको क्या करना है, इस करेक्टर को भी इस साइड में तिरछे में कर लेना, यानी साइड में कर लेना है। इतना करने के बाद आपको इस रिकॉर्डिंग को कर लेना है स्टॉप। नेक्स्ट काम गाइस यहाँ पर है काइन मास्टर, काइन मास्टर को ओपन करना है। इसके बाद गाइस आपको इस वाले रेसिव को सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे और कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद गाइस सिंपली मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद आप कोई भी कलर का यहाँ से बैकग्राउंड ले लेना एंड उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली लेयर पर जाना है, मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ले लेना है जो हमने अभी की थी, ठीक है। इसके साउंड को बंद करेंगे एंड साउंड को बंद करने के बाद वीडियो को थोड़ा सा आगे की तरफ को लेकर जाएंगे, जहाँ पर ये हमने मेल वाला करेक्टर को लिया था ना, जहाँ पर हम वॉल्ट में गए थे, वहाँ से इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कट कर लेना है और यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर हम थोड़ा सा और इस वीडियो को यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इस वीडियो पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे। इसके बाद हमें इसको क्रॉपिंग करना है, तो सिंपली आपको साइड में क्रॉपिंग ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम इसको क्रॉप कर लेंगे। इतना क्रॉप करने के बाद गाइस आपको ओके करना है एंड फिर से हम इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और एरो से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इतना इसको बड़ा करके इस साइड में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सेट कर लेंगे, इसको सेट करने के बाद इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद लेयर पर जाएंगे एंड मीडियम जाएंगे। मीडियम जाने के बाद सिंपली हमें फिर से वही काम करना है, इस वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग को फिर से लेना है और इस बार हमने जो फीमेल वाला रिकॉर्डिंग की थी ना तो उसको लेना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ लास्ट में वो आई थी तो हमें पहले तो इसको शुरू के पार्ट को यहाँ से ट्रिम कर लेना है। उसके बाद हम इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पर शुरू में ले आएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉपिंग पे आना है। क्रॉपिंग पे आने के बाद इसको भी हम वही काम करेंगे, इसको क्रॉप करके करेक्टर को लेंगे, ठीक है। इधर से क्रॉप करेंगे और इधर से क्रॉप करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद गाइस करेक्टर को हम वहाँ से लेंगे जहाँ पर ये थोड़ा साइड में हो चुकी थी, ठीक है। तो अभी हमें थोड़ा सा वीडियो को आगे करके यहाँ से ट्रिम करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी हमें थोड़ा सा साइज़ को बड़ा करना है। तो आप यहाँ पर से इसको ट्रिम करेंगे, थोड़ा सा इतना ट्रिम करेंगे, लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर ले आएंगे। इसके बाद इस करेक्टर को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर इसके साइज़ के हिसाब से, दोनों के साइज़ आपको एक्यूरेट रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको बराबर के रखेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद गाइस ये कुछ देखने में इस तरह से आएगा। अब आपको साउंड इफेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उस साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करना और एक अच्छी सी कमेंट करना। चैनल पर यार पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।